हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है, क्या भगवान और देवी देवता एक ही हैं या इनमें अंतर है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भगवान है कौन। भगवद गीता, भागवतम, वेदों, उपनिषदों से हमें पता लगता है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इन्हीं में से एक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, जिसमें सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है। ब्रह्म संहिता में ईश्वर की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका अर्थ है, गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे समस्त कारणों के कारण है। और भगवद गीता से तो हमें बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। अब जानते हैं कि भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है। असल में देवी देवता भगवान कभी नहीं हो सकते। भगवान सभी देवताओं के स्वामी है और सभी देवी देवता भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। जब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है तो साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। भगवान का स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, इसलिए ना कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवता और भगवान अलग अलग है। सारे देवी देवता भगवान के ही अंश हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। देवताओं की पूजा कर हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु देवी देवता हमें जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकते। केवल हरे कृष्ण मंत्र से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। देवी देवता रजो, सतो या तमो गुण में आते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। ऐसी कई कहानियां आती हैं जिससे हमें पता लगता है कि कई बार देवी देवताओं का भी पतन हुआ है। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।